वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आप लोग को चैनल में फिर से स्वागत है। 5 दिन पहले हमने पीटीसी इंडिया लिमिटेड का एक वीडियो पोस्ट किया था। 110 का प्राइस रीच हो गया तो प्रॉफिट बुक करने के लिए दोस्तों, तभी हमने बताया एक्स डेट 8 सितंबर रहेगा, तभी इसमें बहुत करेक्शन हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग का वजह से। जैसा आज एक्स डेट है तो आप देख सकते हैं आज मार्केट क्लोज होगी 103 में। तो दोस्तों ऑलरेडी आपने हाई प्राइस में बाई किया था, आप अभी लास्ट में, तो आपको कुछ वरी करने का ज़रूरत नहीं है। ये इसका बुक वैल्यू 174 है और अच्छा क्वालिटी स्टॉक है, तो ये 100 का नीचे ज़रूर आएगा, तभी आपको एवरेज करके 106-107 का रेंज में फिर से आपको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। आप लॉस में बिल्कुल एग्जिट मत कीजिए दोस्तों। तो अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों आज का वीडियो है रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड, ये जस्ट लिंक्ड विद पीटीसी है। जैसा हमने बोला जो स्टॉक डिविडेंड देता है, बोनस देता है, नहीं तो स्प्लिट होता है, उसका बाद में थोड़ा गिरावट देख सकते हैं क्योंकि जो डिविडेंड और स्प्लिट नहीं तो बोनस का वजह से शेयर में अच्छा खासा तेज़ी रहता है। तो सम लाइक 52 वीक्स हाई का रेंज में आ जाता है, तभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है और उसका वजह से इसमें गिरावट आता है। तो दोस्तों हमको दो टाइप है, अगर हमको प्रॉफिट में हमको प्रॉफिट बुक करना ही है, उसके बाद में अगर वो अच्छा क्वालिटी स्टॉक है आपको फिर से इसमें पोजीशन बना सकते हैं, तो करेक्शन होने के बाद में फिर से हमको एंट्री लेना है, तो सेम स्टोरी इसको रेडिंगटन के लिए अप्लीकेबल है। तो हमने इसमें बोनस भी लिया, डिविडेंड भी लिया, तो हमारा एवरेज प्राइस है 171, अभी ये गिर के नीचे गया और अभी इसमें थोड़ा रिवर्सल दिखा रहा है, तो अभी ये राइट टाइम है हमको एंट्री करने को। तो दोस्तों हम ये स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म टारगेट में ले रहे हैं, तो 25% का हमारा टारगेट रहेगा। करंट मार्केट प्राइस है 141, तो आप आगे जाके देखा तो इसका बहुत बड़ा टारगेट दिया है, हम छोटा टारगेट लेके चलते हैं। 25% ईजिली अचीवेबल टारगेट है, तो इसका प्राइस 176 हम टारगेट रखेंगे दोस्तों। तो आगे वीडियो में हम देख लेते हैं, तो इसका बारे में ये फर्स्ट वीडियो है रेडिंगटन का हमारे चैनल में, इसके लिए हम थोड़ा डिटेल में इसका बारे में वीडियो डालते हैं। आप फॉलो अप वीडियोस में ये चीज़ें रिपीट नहीं करते, अगर वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, बट आप एक बार परचेस करने का पहले सही तरीके से इसका पूरा इन्फॉर्मेशन देख लीजिए ताकि आपको खुद को कॉन्फिडेंस आने के बाद में ही आप निवेश करें। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं इनका बिजनेस है, ये आईटी रिलेटेड है, निफ्टी आईटी में। निफ्टी आईटी बोलने से आप आईटी कंपनी के साथ में इसको कंपेयर मत कीजिए, ये ट्रेडिंग करता है, मतलब कंप्यूटर एंड हार्डवेयर्स में ट्रेडिंग करता है। तो आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बिल्डिंग द चैनल इकोसिस्टम फॉर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन सर्विस प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड सपोर्ट सर्विसेज लॉजिस्टिक सर्विसेज सप्लाई चेन सोल्यूशन फॉर बिजनेस ऑफ ऑल साइजेस एमर्जिंग बिजनेसेस हेल्पिंग बिजनेस लिवरेज एंड पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनका अलग अलग सेक्टर में इनका बिजनेस है दोस्तों, तो अलग अलग सोर्सों में इनको इनकम आता है। तो मेनली इसमें हम आगे देखते हैं इसका ब्रांड पार्टनर्स है, मतलब ये हार्डवेयर सप्लाई करता है, तो हार्डवेयर का सेलिंग भी करता है कंप्यूटर हार्डवेयर्स का। तो आप देख सकते हैं अगर हम ये पढ़ते जाएंगे तो शायद 20-25 मिनट इसमें निकल जाएगा। तो आप टॉप ब्रांड्स इनका जो ब्रांड पार्टनर्स है, तो इनका ऑथराइज्ड ये लोग डीलर्स रहेगा। तो आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ आपका घर में एक 5-6 आइटम तो इसमें निकलेगा, तो मतलब आप समझ लीजिए इनका बिजनेस कैसा रहेगा। तो आगे आप देख सकते हैं फिर ये भी इसका कंटिन्यूशन है, आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा कंपनी इसमें है, तो हम कोई एक कंपनी का नाम लेके इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, तो आप समझ गए होंगे अभी इनका बिजनेस मॉडल कैसा है करके। तो दोस्तों रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड स्टार्टेड इट्स बिजनेस अलॉन्ग विथ इट्स सब्सिडरीज, तो इट इज़ इन द बिजनेस ऑफ एंड टू एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट आईटी एंड नॉन आईटी प्रोडक्ट्स इन वेरियस पोटेंशियल जियोग्राफिक्स ऑफ साउथ एशिया मिडल ईस्ट टर्की एंड अफ्रीका। रिसेंटली द कंपनी स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोबाइल हैंडसेट्स एंड एसेसरीज इन नाइजीरिया एंड इन लिमिटेड टेरिटोरीज ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन वी ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस फॉर आईटी हार्डवेयर एंड मोबाइल फोन्स। तो दोस्तों जैसा कोविड का सिचुएशन आया तो आप देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन का जो भी हार्डवेयर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो बहुत डिमांड आ गया, इसका वजह से इसमें भी इनको प्रॉफिट हो गया। तो अभी ट्रेंड बदलने वाला है, मतलब आईटी सेक्टर आपको ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह हो रहा है, मतलब मोबाइल फ़ोन का यूज़र्स ज़्यादा हो रहा है, मतलब इनको बिजनेस में आगे अच्छा स्कोप रहेगा। तो
इनका लाइफ टाइम का ऑल टाइम का डाटा हमने इधर आपको दिखा रहे। तो 2007 में 14 रुपीज़ में था कंपनी, अभी ये 141 में है। वो भी क्या, वो करेक्शन होने के बाद में अभी आप इधर देख सकते, ग्राफ नीचे की तरफ बता रहे, तो ऑल टाइम हाई है, 764% है। इसमें अभी भी और पोटेंशियल है ग्रोथ करने का। तो ये एक मिड कैप कंपनी है। तो दोस्तों आगे इसका बारे में डिटेल में देखने से पहले आपको इंटरेस्टिंग चीज़ रहता है टारगेट क्या हो सकते हैं और टारगेट हम कैसा देते हैं। तो नॉर्मली मैं क्या करता है, टिकर टेप में जाता है, इधर आप देख सकते हैं 8 एनालिसिस में आउट ऑफ 8 इसको बाइंग का रेटिंग दे रहा है, मतलब 100% बाइंग का रिकमेंडेशन दे रहा है। तो नॉर्मली ये एनालिस्ट का डाटा ऑलमोस्ट सही होता है। तो आप इधर चेकलिस्ट देख सकते हैं, पूरा ग्रीन में है। तो अब एंट्री टाइम भी गुड है, अच्छा डिविडेंड दे रहा है, फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा दे रहा है। तो दोस्तों हमारा इंटरेस्ट इधर यही है कि टारगेट क्या रहेगा। अभी का रेट है 141, लो बोलते हैं 94। तो आपको ये भी मान के चलना है कभी भी ऐसा मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ सकते हैं, फिर भी गिर सकते हैं, तो ये लेवल तक भी जा सकते हैं। तो मीडियन बोलते हैं 187, विच इज़ 32%, हमने टारगेट रखा 176, 25% है। तो हाई बोलते हैं 389, 175%। दोस्तों इसमें कुछ बोल नहीं सकते, इनका अगर बिजनेस अच्छा चला, इनको अच्छा अच्छा प्रॉफिट आने लगा आगे जाके, तो ये 175% तक रिटर्न भी दे सकते हैं। आप नॉर्मली आप अभी देख सकते हैं जो मिड कैप एंड स्मॉल कंपनी से बहुत हाई रिटर्न्स दे रहा है। तो आईटी सेक्टर में डिमांड बहुत ज़्यादा है अभी, तो आपको एटलीस्ट मीडियम रेंज पकड़ के चल सकते हैं। दोस्तों आगे देख लेते हैं, ये 2007 में एनएसई में लिस्टिंग हो गया, निफ्टी आईटी में, सेक्टरल इंडेक्स इसका निफ्टी आईटी में आता है। तो सिंबल पी है 32। दोस्तों 52 वीक्स हाई है 53, 52 वीक्स लो वन सॉरी 52 वीक्स लो 53 एंड 52 वीक्स हाई है 179, मतलब 179 टच करके अभी ये 141 तक नीचे आ गया दोस्तों। तो आगे देखते हैं, ये कॉर्पोरेट एक्शन है, आप एनएससी का वेबसाइट में जाके कॉर्पोरेट एक्शंस में इसका हिस्ट्री देख सकते हैं। हमने 2018 से इसका हिस्ट्री निकाला, तो 2018 में इसमें बाई बैक था, बाद में 2019 में 3.5 रुपये, 3.3 रुपीज़ का डिविडेंड मिला, फिर इंटरिम डिविडेंड 1.5 का दिया। 2020 में इन्होंने 2.8 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था। 2021 में लगातार 2 बार इन्होंने बैक टू बैक डिविडेंड्स दिया था। आप देख सकते हैं 16 जुलाई को एक डिविडेंड दिया 4 रुपीज़ का, उसका बाद में 3 अगस्त को सॉरी 16 जुलाई को 2 डिविडेंड दिया था इन्होंने, एक स्पेशल डिविडेंड था, एक इनका नॉर्मल डिविडेंड था, मतलब 11.5 रुपये का डिविडेंड मिला था। दोस्तों हमको ये डिविडेंड हमने लिया है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें एंट्री लिया था। उसका बाद में बोनस भी आ गया 18 अगस्त को 1:1 का, तो मतलब आपका क्वांटिटी डबल हो गया, तो ये बेनिफिट भी हमने लिया हुआ है हमारा पोर्टफोलियो में। बट दोस्तों ये पूरा मिलने के बाद में हमको इसमें प्रॉफिट भी मिला डिविडेंड का, फिर भी हमारा एवरेज प्राइस है 171, अभी 141 है, हम इसमें अभी एवरेज करने वाले तो शॉर्ट टर्म का गेन के लिए। तो दोस्तों जैसे हमने बोला मार्केट कैप इसका मिड कैप है 11,075 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट मार्केट प्राइस हमने देख लिया, बुक वैल्यू 63.2 है, तो डिविडेंड यील्ड 2.68 है और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 16.4% है। तो दोस्तों ये बिजनेस मॉडल में इनका कॉम्पिटेटर में आप देखेंगे तो हमने टॉप 10 कंपनीज लिया, इसमें टॉप 3 में ये कंपनी आता है मार्केट कैप का बेसिस में। तो अदानी एंटरप्राइजेस नंबर 1 में आता है, 171,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, तो उसका हिसाब से प्राइस भी 1,555 रुपीज़ है। तो रेडिंगटन का आप देख सकते हैं 11,000 का मार्केट कैप है, 141 है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं तो दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं 2018 से 2021 तक का हमने क्वार्टरली रिजल्ट लिया हुआ है। तो हम लास्ट 5 क्वार्टर्स का हम रिजल्ट देख लेते हैं, तो 344 है जून क्वार्टर का, कंपेयर टू मार्च ये कम हो गया दोस्तों, बट पिछले साल का आप कंपेयर किया तो इसमें अच्छा खासा तेजी देख सकते हैं। 205 था इसका जून 2021 में 344 करोड़ का इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो आप पिछले लगातार पूरा क्वार्टर्स में इसमें प्रॉफिट है दोस्तों, हमको ऐसा वाला स्टॉक की चूज करना है जो कभी लॉस में ना हो। तो नेट प्रॉफिट देख सकते हैं आपको पूरा नेट प्रॉफिट पूरा क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ही है। तो कंपेयर टू मार्च का क्वार्टर इसमें थोड़ा कम है,
बट अब अगेन आप प्रीवियस जून 2020 का कंपेयर किया तो 89 करोड़ का प्रॉफिट है। जून 2021 में ऑलमोस्ट 2-3 गुना इसमें प्रॉफिट बढ़ गया दोस्तों। अभी हम ईयरली प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च में आप देख सकते हैं 13,392, मतलब कंटिन्यूस इसमें इंक्रीज होते हुए आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट में आप देख सकते हैं ये भी कंटिन्यूस इसमें इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों, मतलब कंपनी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है और उनका सेल्स भी उसका हिसाब से बढ़ते हुआ नज़र आ रहा है। तो इधर का लियाबिलिटीज आप देख सकते हैं 14,000 करोड़ का इनका लियाबिलिटी है। तो बोरोइंग्स इसमें कम हो गया आप कंपेयर टू मार्च 2021 में इनको बिल्कुल बहुत कम बोरोइंग्स हो गया 622 करोड़ का। किधर सेल्स बढ़ रहे हैं बट बोरोइंग्स कम हो रहे हैं, मतलब ये आपको अच्छा साइन है दोस्तों। इसमें प्रमोटर्स एफआईआई का कैटेगरी में आता है, इधर इनको प्रमोटर्स बोलेगा तो एफआईआई है। तो इनका एक भी प्लेज्ड शेयर नहीं है। म्यूचुअल फंड इसमें इंक्रीज किया हुआ है लास्ट क्वार्टर में। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड भी सेम है, कम नहीं हुआ इसमें। एफपीआई में थोड़ा इसमें कमती हो गया दोस्तों। तो दोस्तों प्राइस एंड वॉल्यूम मूवमेंट देख सकते हैं आप। 25 लाख का इसमें वॉल्यूम है, 71% का डिलीवरेबल क्वांटिटी है, मतलब आप समझ सकते हैं इसमें जबरदस्त डिलीवरी उठाया जा रहा है। मतलब अभी ये प्राइस करेक्शन होके नीचे की तरफ आया, मतलब सस्ते में मिल रहा है। तो दोस्तों हमको दिस इज राइट टाइम टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, हमको अभी इसमें एंट्री लेने के लिए सही टाइम है दोस्तों। आप कल का देखिएगा तो 11 लाख का एवरेज है इसमें, और 1 वीक का एवरेज 13 लाख का है। 1 वीक में आप देख सकते हैं प्राइस मूवमेंट कैसा करेक्शन हो गया इसमें। तो -14% है 1 मंथ में, 1 वीक में -5.4% है, 3 मंथ में 5% का प्रॉफिट है। मतलब ये अभी 1 महीने को कंपेयर करेगा तो वो -14%, मतलब -14% सस्ते में हमको मिल रहा है। तो हमको फिर से ये मिला के थोड़ा गेन हमको आगे देख सकते हैं। तो टेक्निकल चार्ट में है तो आप देख सकते हैं बुलिंजर बैंड बोनस का टाइम है, इसमें बैंड कट करके ऊपर का तरफ गया था। बोनस आने के बाद में इसमें लगातार सेलिंग हो गया, इसका वजह से ये करेक्शन होके ओवरसोल्ड जोन में जाके फिर भी ये नीचे की तरफ गया दोस्तों। अभी इधर से थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल बता रहा है। तो आगे अभी भी आपको डाउट है तो आप और थोड़ा वेट कर सकते हैं, बट हमको कुछ डाउट नहीं है इसमें, हमको अभी इसमें एवरेज करने वाले हैं दोस्तों। आरएसआई आप देख सकते हैं 40 को टच किया था, 40 से भी नीचे गया था, ये 38 का रेंज में आज है, मतलब ऑलमोस्ट ये 35 का रेंज में आरएसआई गया था ओवरसोल्ड जोन में जाके, ये अभी थोड़ा रिवर्सल इसमें दिखा रहे हैं। एमएसडी अभी भी क्रॉसओवर नहीं हुआ है तो इसमें अच्छा खासा मूवमेंट आना है। तो अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यूस 2-3 दिन हो गया तो शायद इसमें एमएसडी रिवर्सल लेगा। तो आप ये इंडिकेशन को भी वेट कर सकते हैं दोस्तों, जैसा ये एमएसडी रिवर्सल होता है कट करके ऊपर की तरफ जाने को स्टार्ट करते, तभी भी आप एंट्री ले सकते हैं इसमें। ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडेक्स आप देख सकते हैं ये 0 से नीचे जाके -1 में है, मतलब अभी ये नीचे का तरफ है, इधर से इसको ऊपर का तरफ जाने का पूरा अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों। तो सुपर ट्रेंड हम देख सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन का नीचे है, मतलब रेड में आप देख सकते हैं इसका ट्रेंड अच्छा चल रहा था क्योंकि सब लोग डिविडेंड एंड बोनस के लिए इसमें तेजी मिल गया था। आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी बहुत बड़ा था, अभी वॉल्यूम धीरे 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 कम होते जा रहे हैं। तो ये लेवल में आपको अभी एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है, मतलब आप देख सकते हैं बोनस के बाद में लगातार इसमें गिरावट आ गया, कंटिन्यूस सेलिंग चल रहा था, रेड कैंडल्स आप देख सकते हैं। तो अभी एक ग्रीन कैंडल इसमें आ गया, ये ग्रीन कैंडल कंटिन्यूस अभी बाइंग की तरफ गया तो इसमें तेजी देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपका समय के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।